ये कोर्ट्स में मामला जाएगा, लेकिन आप ये अपने जेन में रखें कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड मूव थी पूरी। तो जब अगर कोर्ट में ये लोग लेके जाएंगे तो ये मूव का सारा कुछ खुलेगा। वो जो एम्बेसडर्स की 30-40 मीटिंग्स हैं, इसके अलावा वो लेटर है, लेटर के ऊपर बड़ा स्मार्टली उन्होंने आपकी सिक्योरिटी कमेटी की स्टैंप लगवा ली जिसमें चारों चीफ्स हैं। तो वो जो थ्रेट है वो भी जेन्युइन हो गया, और थ्रेट जिस बेस पे है वो लेटर में रीजन लिखा हुआ है कि पीएम को रिमूव करो। तो ये खुद जलील हो जाएंगे अगर ज्यादा आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन वाले। तो ये आप अपनी तसल्ली रखें कि ये अब इससे आगे बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाने वाली और री इलेक्शन ही होना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। पहले नेशनल सिक्योरिटी का बुला के उस पर स्टैंप लगवाई है उसकी ऑथेंटिसिटी पे, और उसके बाद जो है ये सारा कर दिया। अब ये अपोजिशन वाले वो सारी कड़ियां, उनके पास और भी सारी डिटेल है कि कौन कौन किस किस को मिलता रहे। तो गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है इसलिए। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे बड़े गढ़ वाले इसके पीछे थे तो जाहिर है वो भी फिर एक्सपोज होंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन ही होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा फड्डा नहीं मैं देख रहा।